31, Ahmed spent 44,000 to get a car and sell it 48,000, find its percentage of profit. मतलब इसमें से अंदाज़ा तो हो रहा है कि उस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने का हो रहा है वो जो है आपको उसकी परसेंटेज बतानी कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है जी 44,000 और सेल प्राइस है जी वो है 48,000। ये आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है। और प्रॉफिट मालूम करने का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट मालूम करने का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉफिट मालूम करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कितना उसको। तो प्रॉफिट के लिए हमें जो फार्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी माइनस सीपी मतलब सेल प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे। तो सेल प्राइस जी थी वो 48,000 थी और कॉस्ट प्राइस थी वो 44,000 थी, मतलब उस बंदे को 4,000 का बेसिकली प्रॉफिट हुआ। अब आपने सिंपली इसको फार्मूला पुट करना है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 44,000 का हुआ जी, फोर थाउजेंड का हुआ, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, प्राइस है जी 44,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब दो ज़ीरो ये ख़त्म, दो ज़ीरो ये ख़त्म, एक ज़ीरो ये ख़त्म, एक ज़ीरो ये ख़त्म। अब आप यहाँ पे जो है वो सिंपली टेबल लगाओ, 4 1 4 4 1 4 4 1 4 और ये 100। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 100 को डिवाइड करना है 11 से, वो भी मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं आएगा। 11 को आप जो बेसिक है उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो 11 की हम टेबल पढ़ेंगे, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, तो 11 9 99। तो 100 में से 99 क्या 1 बचेगा, उसके बाद हम डेसिमल देकर 0 देंगे। तो 11 टेबल 10 पे तो जाएगी नहीं, तो हम 0 देकर एक और 0 देंगे, तो अगेन 11 9 99। तो ये सीरीज चलती रहेगी। तो इसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 9.09% का प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस हिसाब से जो इसमें ऑप्शन जी मौजूद है, कहाँ गया जी, तो इस हिसाब से यहाँ पे है ये 9.09 बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है।